लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गार्डियन सेक्ट के बाकी डिसाइबल भी सेक्ट में पहुंच चुके होते हैं। तब इन लोगों के पावर्स देख के सारे डिसाइबल बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले एक महीने की ट्रेनिंग में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट किए थे। सीनियर फेंग को तो देखकर लड़कियां हमेशा की तरह पागल हो रही थे। तो ऊपर से रोली कह रही कि क्या वो लूशन है, जिस पर इधर हम देख देखे इन लड़कियों के बगल में लूशन भी रोली को देखकर बिल्कुल पागलों की तरह नाचे जा रहा था। तब ये देखकर रोली अब हंसते हुए कह रही कि बंदर कहीं का, जिस पर अब सीनियर फेंग और लीदों एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए सीधे लूशन के आगे पहुंच जाते हैं और पहुंचते हुए कह रहे हैं कि हमसे हमारी पोजिशन छीनने वाले लूशन, हम तुम्हें अभी कभी फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। तब इतना सुनते लूशन अपने लाइटनिंग डंडों को फेंकते हुए सीधे मैदान में कूद जाता है और कूदते हुए कह रहा है कि चैलेंज एक्सेप्ट हुआ, जिस पर सीनियर फेंग भी रेडी होते हुए कहते हैं कि आ जाओ फिर, और इतना कहते सीनियर फेंग अपने ट्रू पावर्स को अपेयर कर देते हैं। तब ये देखकर डीन बहुत ही शॉक होते हुए कहते हैं कि शाबाश फेंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इस हद तक इम्प्रूवमेंट कर ली है। जिस पर अब सीनियर फेंग अपने गोल्डन फ्यूरियस पंचों को लूशन की ओर भेज देते हैं। तब लूशन भी अपने थंडर पंच को क्रिएट करता हुआ सीधे इस अटैक से जाके टकरा जाता है, जिस पर अब इन दोनों के अटैक से टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके की बैट से सीनियर फेंग घसीटते हुए पीछे चले जाते हैं, जिस पर अब सीनियर फेंग हंसते हुए कहते हैं कि लगता है मैं इस बास्टर्ड को अब कभी भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। आज मैं सीनियर फेंग ऑफिशियल तौर पर घोषणा करता हूँ कि गार्डियन सेक्ट का मोस्ट पावरफुल डिसाइबल लूशन ही है। लूशन चूंकि अब तुम इस सेक्ट के नंबर 1 डिसाइबल बन चुके हो, इसीलिए वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नंबर 1 डिसाइबल की होती है वो आज से मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तब लीदोंग भी अब लूशन के सामने आते हुए कहता है कि जब तुमने फेंग को ही डिफीट कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे डिफीट करने में तुम्हें कोई परेशानी होगी, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा चीटिंग करूं, जिस पर लूशन कहता है कि कैसा चीटिंग। तब ताइशेंग भी अब लीदोंग के पास आते हुए कहता है कि अभी पता चल जाएगा, जिस पर लीदोंग अपने अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि चूंकि अब हम तुम्हें एक एक करके बीट नहीं कर सकते, इसीलिए अब हमने तय किया कि हम तुम्हें एक साथ मिलकर पीटेंगे, और इतना कह दिए तीनों अब एक साथ लूशन को पीटने के लिए बढ़ जाते हैं, जिस पर लूशन अब बहुत ही फनी तरीके से भागते हुए कहता है कि रोली बचाओ मुझे। तब मिस जून रोली को लेके जाते हुए कहते हैं कि छोड़ो इन्हें, इन लड़कों के बीच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीन ने सारे डिसाइबल्स को अपने पास बुलाया था। तब डीन अब अपनी बात को शुरू करते हुए कहते हैं कि आज से ठीक 2 दिन के बाद ग्रेट अकेडमी टूर्नामेंट होने वाला है, इस टूर्नामेंट को जीतना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला ये तो आप सभी जानते ही है, इसीलिए मैं आप लोगों से इस टूर्नामेंट के रूल और बेसिक बातें बता देता हूँ। नंबर 1, इस टूर्नामेंट में किसी को मारना या फिर किसी के हाथों मरना अलाउड है, इसीलिए बुरे डिसाइबल्स को खत्म करने में कोई भी संकोच मत दिखाना, वरना मौका मिलते ही वो लोग तुम लोगों को खत्म कर देंगे। नंबर 2, गार्डियन सेट से इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए 2 टीमें जाएंगे, जिसमें से एक टीम में फेंग लीदोंग और ताइशेंग रहेगा तो दूसरी टीम में लूशन रोली और जून होगी, जिस पर लूशन पूछता है कि डीन आखिरी कंपटीशन कहाँ पे और किस तरह से हो सकता है। तब डीन बता दे कि कंपटीशन रियल कॉन्टिनेंट से स्टार्ट होता है, कहा जाता है कि एंसेंट टाइम इस कॉन्टिनेंट में कई सारी लड़ाइयां हुई है जिसकी वजह से इस कॉन्टिनेंट का सत्यानाश हो गया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये पूरा कॉन्टिनेंट ही अलग अलग होके एक मैजिकल और वियर्ड फॉरेस्ट में चेंज हो गया, जहाँ पर कई अनजान खतरों के साथ बहुत सारे रेड ट्रेजर भी मौजूद हैं। अगर तुम्हारा लक सही हुआ तो तुम्हें इस फॉरेस्ट में कुछ ऐसे ट्रेजर्स मिल सकते हैं जिससे महीने भर के अंदर ही तुम लोग सुप्रीम रियलम को अचीव कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि तुम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि इन ट्रेजर से ज्यादा तुम लोगों को दूसरे सेट के डिसाइबल्स को नॉक करने पे ज्यादा ध्यान देना है। जिस पर लूशन पूछता है कि डीन आखिरी एक सेट से कितने टीम जा सकते हैं, तब डीन कहता है कि कोई भी सेट अपनी ओर से मैक्सिमम 10 टीमों को भेज सकते हैं। अगले साल होली स्पिरिट एकेडमी ने सबसे ज्यादा अपनी ओर से 6 टीमों को भेजा था, जिस पर लूशन कहता है कि ये तो साफ साफ चीटिंग है, अगर एक ही सेट के इतनी टीमें आएंगे तो ये तो जाहिर है कि वो लोग किसी को भी रगड़ के पीट देंगे। तब डीन कहता है कि हाँ ये तो पिछली बार हुआ भी है, होली स्पिरिट एकेडमी के डिसाइबल्स ने पिछली बार लाशों का ढेर बना दिया था, मगर रूल तो यही है कि कोई भी सेट अपनी ओर से मैक्सिमम 10 टीमों को भेज सकता है। जिस पर लूशन कहता है कि क्या कहा आपने लाशों का ढेर, ये कंपटीशन की आड़ में कहीं बैटल रॉयल तो नहीं खिला रहे। तब डीन कहता है कि रूल तो रूल है, खैर इस कंपटीशन की रिगार्डिंग जितनी भी जानकारियां चाहिए तुम लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन अब वक्त है तुम दोनों टीमों को इस कंपटीशन का पास देने का, और इतना कहते हैं डीन अब 2 कार्ड्स को अपेयर कर देते हैं, जिस पर अब डीन इन दोनों टीमों के कैप्टन को एक ही कार्ड देते हुए कहते हैं कि ये हमारे गार्डियन सेक्ट का स्पिरिचुअल कार्ड है, जब भी तुम लोग दूसरे सेक्ट के डिसाइबल्स को डिफीट करोगे या फिर उनसे डिफीट होगे तो उसी के अनुसार इस टूर्नामेंट में हमारे सेक्ट के पॉइंट डिडक्ट होंगे या फिर ऐड होंगे। रूल सिंपल है, जिस सेक्ट के ज्यादा पॉइंट होंगे वही विनर होगा। जिस पर लूशन कहता है कि वेल असली मजा तो अब आएगा, और अब सीन चेंज होता है और हमें होली स्पिरिट एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़का अपने कार्ड को देखते हुए कहता है कि वो तो इस बार गार्डियन सेक्ट से 2 टीमें आ रही है। चलो ठीक है, इस बार उस लूशन से हिसाब किताब करने का अच्छा मौका मिला है। लूशन मुझे यकीन है कि तुम मुझे बराबरी का टक्कर जरूर दोगे।
जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें टूर्नामेंट के दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे सेक्टर डिसेबल इस स्पिरिट फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तब थोड़ी ही देर में गाड़ी सेक्टर वाले भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जिस पर रोली कहता है इसी ने फेंग और बाकी लोग कहाँ गए। तब लूशन कहता है कि इस टूर्नामेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सारी टीमों को अलग अलग प्लेस पे टेलीपोर्ट किया जाता है ताकि एक ही सेक्टर टीम जल्दी से टीम अप ना कर पाए। और अब यहाँ पे ओल्ड मैन अपेयर होते हुए कहते हैं कि सारे सेक्टर टीमों का इस कम्पिटिशन में स्वागत है। इस कम्पिटिशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बेसिक रूल बता देता हूँ। सारी टीमों के कार्ड्स में फिलहाल अभी के लिए 8 पॉइंट्स मौजूद हैं। अगर कोई टीम किसी दूसरी टीम के सामने डिफीट एक्सेप्ट करता है तो उस टीम के आधे पॉइंट डिडक्ट होके विनर टीम को मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई टीम डिफीट एक्सेप्ट नहीं करता इसके बावजूद भी वो दूसरी टीम से डिफीट हो जाता है तो उस टीम के सारे पॉइंट्स विनर टीम को मिल जाएगा। इस कम्पिटिशन शुरू होते आप सभी टीमों के पास 1 घंटे का समय होगा जिसमें आप सभी को जितना हो सके उतना पॉइंट्स जमा करना है, क्योंकि 1 घंटे बीते टॉप 16 टीमों के अलावा सारी टीमों को इलिमिनेट कर दिया जाएगा। तब ये सुनिए मिजून कह देखिए वाकई में ये कम्पिटिशन तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि 500 प्लस टीमों ने इस कम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। जिस पर लूशन कह रहा है कोई बात नहीं, जितनी ज्यादा टीमें होंगी पॉइंट्स को अचीव करने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। तब ये एल्डर कह रहा है टॉप 16 टीमों को चुनने के बाद दोबारा से इसी टाइप की एलिमिनेशन होगा और अंत में जिस सेक्टर पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वही सेक्टर विजेता होगा। जिस पर अभी एल्डर कहता है कि वेल मैंने आप लोगों को इन जानकारियाँ दे दी है इसीलिए ऑफिसर रूप से ये कम्पिटिशन अब शुरू होता है। तब इस एल्डर कितना कहता है हम देखते हैं कि दूसरी तरफ डिसाइबल्स के बीच गुथम गुथाई शुरू हो जाती है। सारे सेक्टर टीम एक दूसरे के पॉइंट को छीनने में लग जाते हैं, जिस पर अब इस नजारे को देखते हुए मिजून कहता है कि ये लोग तो पागल हो चुके हैं, लूशन आखिर अब हम लोग कहाँ से शुरू करें। तब मिजून अब जैसे पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि लूशन तो आराम कर रहा है, जिस पर लूशन कहता है कि आप टेंशन क्यों ले रही है, पहले उन सबको लड़के मरने दीजिए बाद में हम लोग पीछे से जाएंगे। वैसे भी ऐसे सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी करता है वही जीतता है। तब मिजून कहता है कि वैली ये भी सही है, वो लोग उन्हें डिफीट करेंगे और हम लोग उन्हें। और अब सीन चेंज होता है और हम होली स्पिरिट एकेडमी के डिसेबल्स को देखते हैं जहाँ पर इन्होंने अपने आसपास मौजूद टीमों की लाशें बिछा दी थे, जिस पर अब ये लड़का अपनी टीम के डिसेबल को दबोचते हुए कहता है कि कैप्टन मैं हूँ इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप वो सुन लो वरना तुम इसे लोगों को मारने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और इतना कहते ये इस डिसेबल को पटक देता है, जिसके बाद ये अपने पीछे के डिसेबल की ओर देखते हुए कहता है कि चेक करो गार्डन सेट हमारे आसपास पहुंचे या फिर नहीं। तब ये लड़का कार्ड में देखते हुए कहता है कि नहीं गार्डन सेट तो दूर दूर तक नहीं है, उन्होंने तो अभी तक किसी भी टीम से उलझना भी शुरू नहीं किया है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।